तो आज का ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है स्टेशन से ट्रेन से, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं मायापुर. फाइनली डन हुआ. ट्रेन अभी चेंज होगा फिर स्टीमर में जाएंगे. बिल्कुल गंगा घाट पार करके. तो आज का ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है. ऐसा तो क्यों अच्छा लग रहा है आप लोगों को हमारा ब्लॉग. और हाँ, मेरा दुर्गा माँ का लुक कैसा लगा? बिल्कुल. और नींद अभी थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ है. 3 घंटे सोया मैंने और लास्ट 2 नाइट्स से ऐसे ही हो रहा है. 3-4 घंटे कोई नहीं. अच्छा हो रहा है. अच्छा मतलब 4 घंटा सोई हूँ लेकिन हाँ ठीक ठाक. आज रात को थोड़ा सो जाऊंगी क्योंकि शाम की आरती के बाद ऐसा कोई एक्टिविटी है नहीं. खैर देखते हैं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, सब कुछ नया एक्सपीरियंस होगा. चलिए एंजॉय करते हैं और आप लोग भी कीजिए. बिल्कुल. কি করছো এই এদিকে দেখো একটু বলে দাও গুড মর্নিং বলে দাও হ্যাঁ এরকম করে গুড মর্নিং ঠিক আছে तो हम लोग उतर गए बैंडल स्टेशन और यहाँ से एक और ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, इंटरकनेक्टेड ट्रेन. 1 घंटा लगभग लगेगा और फिर वहाँ से फिर गंगा नदी पार करना पड़ेगा स्टीमर से. चलिए तो हम लोग पूरा एकदम एक्साइटेड है ना. लड़ाई चल रहा है. कोई बोलता है खीरा खाएंगे, कोई घुगनी खाएंगे. मुझे खीरा दे दीजिए. हाँ खीरा दे दीजिए. खीरा ये सिया परेशान हो गई है. घुगनी इनको खाना है. घुगनी मम्मी ने खाना है. अब अगर मिले ना तो इधर से. इनको घुगनी खाना है और मुझे खीरा खाना है. खीरा खाना है. और मैंने खीरा तो उधर भी है देखा मैंने, लेकिन घुगनी. और मेरे को ठंडा ठंडा चिल्ड कुछ खाना है. वेस्ट बंगाल में इधर आप उधर से कुछ ले. वेस्ट बंगाल में इधर से उधर जर्नी करने का मजा ही अलग है. डिफरेंट डिफरेंट खाना मिलता है. हां मतलब कितना गंदा खाना खा सकते खाइए. हां फिर खाते भी ना लेकिन लेकिन हाइजीनिक मेंटेन करके रखते हैं. ऐसा नहीं है, हाइजीनिक मेंटेन रहता है. टिंपू को समझ में नहीं आ रहा किसका हाथ पकड़ी. चलिए अभी 1.5 घंटा है हमारे पास. 1.5 घंटे के बाद फिर ट्रेन आएगा. उतरने में हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था. लेट नहीं हुआ, ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गया 15-20 मिनट. उस चक्कर में एक ट्रेन मिस हो गया. अभी 1.5 घंटे के बाद है तो अभी देखते हैं कुछ पेट पूजा किया जाए, घूमने वगैरह. एसी बंद की है. चलिए फिर देखते हैं. पीछे दुकान है बट घूमने वाले मिलने वाले. वहाँ पानी का बॉटल लेके आते हैं. देखते हैं घूमने किधर है. श्रेया का पूरा एक के बाद एक रील्स चल रहा है. एक के बाद एक रील्स चल रहा है. क्या करूं, टाइम को यूटिलाइज करना था इसलिए. मैंने भी एक लगे हाथ एक बना दिया. लगे हाथ एक कम हो गया. एक कम हो गया. उधर घुगनी आ गया तब से वेट कर रहे थे. चलिए লঙ্কা দেবে না, লঙ্কা খাবে, লঙ্কা দেবে তোমারটাতে, লঙ্কা কোনোটাতেই দেবে. দিদি
और सबसे बढ़िया खाना और अच्छा इतना देर खा लिया मैंने। और हमारा यहाँ पर घुगनी चल रहा है, यहाँ का जो घुगनी है ना अमेजिंग, तो घुगनी और खीरा। चलिए तो अभी ट्रेन हम लोग का आने वाला है और पसीना से मैं देखिए एकदम मतलब भीग खराब हो गया फेस पसीना से। चलिए फिर हम लोग पहुँचते हैं और फिर दिखाते रहते हैं जैसे जैसे होता रहेगा। पहुंच गए हम लोग नवोदीप और यहां से फिर स्टीमर, पहले देखते क्या मिलता है, फिर स्टीमर से या नाव से जाएंगे हम लोग मायापुर। चलिए अरे देखा आराम से चलो चलो आराम से चलो चले सब। तो हम लोग नाव में बैठ गए हैं, हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से टोटो, हाँ यहाँ से टोटो में जाएंगे मायापुर घाट घाट और वहाँ से फिर स्टीमर। अरे घाट घाट जावन हाँ जावो अजन इधर हमरा चीत पांच जन हाँ हाँ चलो चलो गए फाइनली हम लोग टोटो में, यहाँ से जा रहे घाट। सो हम लोग टोटो से उतर गए अब जा रहे घाट में, उससे पहले टिकट काटना है। चलिए देखते हैं फाइनली हम लोग पहुंच गए, पहुंचे नहीं है घाट पे पहुंच गए। और ये देखिए आ गए हम लोग लॉन्च, फर्स्ट टाइम स्टीमर, मुझे बहुत डर लगता है लेकिन फर्स्ट टाइम। ये स्पीड से निकल जाएगा। और उधर देखिए वो तो मैं दिखा रहा हूँ, वो है बोट जो उधर। कुछ ठंडा हो गया। स्विच ऑन हो गया है लॉन्च स्टीमर का, तो हम लोग जा रहे हैं एकदम, हम लोग नदी के बीच में हैं। घाट से निकल के अब जा रहे टोटो से
मंदिर, इस्कॉन मंदिर। हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोगों का है जो बुकिंग वो है गदा भवन, तो चलिए गदा भवन में चलते हैं। और पीछे है इस्कॉन मंदिर, दिखेगा आपको। हो गया फाइनली रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पर जो भवन में है, गदा भवन में। तो रूम पहले बुक कर लिया था, बट ऐसा है ना फिर हमें लगा था मौसम ठीक ठाक है लेकिन गर्मी हो रही, तो यहाँ पर आके हमने अपग्रेड किया एसी रूम। और पहले एसी नॉन एसी का कोई पहले एसी नॉन एसी का कोई ऑप्शन ही नहीं था। हड़बड़ी में हमने जल्दी बुक किया कि खत्म ना हो जाए, तो यहाँ पर पता चला मिल गया। तो अभी हम लोग जा रहे कूपन काट के लंच करने। चलिए, लक अच्छा है क्योंकि लंच का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है कूपन का। तो बोलते हैं ना भगवान के टाइम पास आएंगे तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो चलिए, तो हम खाना खाने जा रहे हैं और उसके बाद रूम में जाके आराम करेंगे। थोड़ा सा आराम करेंगे नहीं, फिर बाहर आएंगे, बहुत सारा जगह है घूमने के लिए। बैठ गए लंच खाने एकदम, और अब क्या बोलते हैं प्रसाद खाने। ये देखिए बैठ के एकदम जमीन पे चलिए खाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। तो हो गया लंच, अब हम लोग जा रहे हैं। और लंच बहुत टेस्टी था, प्रसाद बहुत टेस्टी एकदम, और बोर्ड में भी लिखा था मतलब वो बहुत रेयर पीस भाग्य से मिलता है भाग्य। चलिए हम लोग का रूम, हम लोगों का जो हॉल है वो है कॉन्च। अलग अलग हॉल है, कॉन्च, चक्र, गदा, वामसी, तो कॉन्च में जाएंगे। और अगर आप कभी, अच्छा पहले हम लोगों का गदा भवन था, প্রথমে গদা ভবন ছিল, এখন কঞ্চ ভবন হয়ে গেছে। কেন এসিটা কঞ্চ ভবন আছে, এইদিকে গদা ভবন। চলিয়ে और अगर आप मतलब असनसोल, वेस्ट बंगाल कहीं पर भी हो इस मतलब यहाँ पर, तो प्लीज ये मायापुर प्लीज घूमने आना, बहुत सुंदर जगह है। चल आइए प्रभु, चलिए प्रभु। रूम मिल गया, रूम तो मिल ही गया था, हम लोग पहुँच गए रूम। अब रेस्ट करके शाम को निकलेंगे। और हमारा जो ये बिल्डिंग है पांच भवन, ये आपके मंदिर के एकदम साथ में है। बहुत ही बढ़िया सिंपल, ठीक है। चाहे तो कूलर में आया नहीं।
की खावे, क्या खाना है आपको? हैं गुस्से में देखिए टीका वगैरह लगा के गुस्से में। हरे कृष्ण हरे राम बोलो। हरे कृष्ण बोलो भालो करे बोलो। बोल बेटा किंतु तुम्हार मुख থেকে শুনতে বেশি ভালো লাগে বলে না তো মা। হ্যাঁ একটু ক্লোজ নাও ভালো করে। হ্যাঁ ভালো করে বলো। হ্যাঁ বলো কেডি কেডি কম কম ক্যামেরা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। সো রুম মে জানে কে বাদ মতলব নিন্দ তো নহীं हो रहा बिकॉज़ बहुत काम था। अब सेया इन लोगों ने तो नींद लिया है तो आपने देखा कितना अच्छा कीर्तन हो रहा था। हम लोग थोड़ा सा भी बाहर निकले हैं मंदिर से तो क्योंकि अंकल जी और श्रेया इन लोगों को चाय पीना है तो चलिए तो एंजॉय करते हैं। आज शाम को हम लोग फिर मार्केट वगैरह लोकल घूमेंगे। कल जो पूरा दिन है ना कल फिर मंदिर में जाएंगे आरती वगैरह जो भी है क्योंकि आज थोड़ा सा टायर्ड है हम लोग। मैं तो बहुत टायर्ड क्योंकि मैं कल भी सोया नहीं परसों भी सोया नहीं और आज भी मतलब अब पता नहीं कब तक होगा बहुत काम है। चलिए बट एंजॉय करते हैं है ना। कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? कुछ पसंद आ रहा है? चलिए एक बार देखते हैं। बच्चों है ना डॉल और ये मतलब इनको खिलौना चाहिए। चिंपू देखो पसंद हो चुकी है जो कौनटा देखो किस पसंद हो चुका हलो पसंद हैं पसंद हलो हमको एक ड्रेस पसंद आ रहा है अभी एक नहीं बहुत सारे अच्छा ही है बिल्कुल बस ये है कलरफुल है हमें मतलब वैरायटीज है बहुत। मेरा भी मैंने देखा कुर्ता टाइप का है देखते चलो देखी देखो चलो 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 So finally, मैडम का हो गया और मेरा भी कुर्ता हो गया। बहुत ही बढ़िया हुआ जो लिया है ना वो दिवाली में। दिवाली में मतलब उनको स्टिच करना पड़ेगा अभी मटेरियल है ड्रेस स्टिच करके ही जाऊंगी आज। बिल्कुल पसंद हो लो चिंपू चंपो ठीक है फाइनल तो एक कलर को ही तो ठीक है फर्स्ट क्लास बढ़िया बढ़िया। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो हम लोग आ गए गोविंदास रेस्टोरेंट। ऑर्डर हो गया है और लास्ट ऑर्डर है लास्ट ऑर्डर। मैम का यहाँ भी चाउमीन अभी ऑर्डर हो गया। नहीं मैं सोच के आई थी तभी मम्मी को भी पूछ रही थी कि क्या खाना है चाउमीन रोल बार बार बोल रही थी मुझे चाउमीन खाना है ना मुझे भी चाउमीन खाना है चाउमीन चाउमीन पार्टी है और इधर रोटी पार्टी डोसा सब ये सब खाएंगे सब खाएंगे। चलिए फिर पेट पूजा कर लेते आप चलिए आज रेस्ट और कल से एकदम नया एनर्जी के साथ फिर स्टार्ट होगा। ये देखिए आ गया गोविंदास रेस्टोरेंट का डोसा महाराजा डोसा। तो ये है चना मसाला है ये पनीर मसाला है रोटी
और इधर चाउमीन। तो डिनर वगैरह खत्म हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं हॉल में, हॉल में मतलब अपना रूम में रूम में और उसके बाद फिर एडिटिंग मेरा हो गया कल का वीडियो का, जो इनका ये वाला कौन सा वीडियो है जिनका आगमनी सूट का जो वीडियो मतलब उनका फाइनल वीडियो नहीं, मतलब वो उसका ब्लॉग बिहाइंड द सीन्स वो सारा, तो वो अभी बस पब्लिश हो जाएगा। देखते हैं नेट अच्छा रहेगा यहाँ, नेट तो अच्छा रहेगा बट अंधेरा हो गया, फिर लाइट आएगा फिर लाइट। हाँ ये देखिए आ गए हम लोग फिर से। यस लाइट में और रूम अभी नहीं दिखाया क्योंकि आज थोड़ा सा टायर्ड थे, कल आराम से कल दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बिल्कुल देखिए यहाँ पर यह है ना फ्रेंड्स, रूम ऐसा पर्टिकुलर हम फोकस नहीं करना चाहते, हाँ लेकिन हम कहाँ पर है क्योंकि हम सब कुछ शेयर करते हैं ना, हम वो भी करेंगे। यहाँ पर मेन फोकस जो है वो है कृष्णा जी बस। तो आप लोगों को आशा करती हूँ कि हमारा ब्लॉग्स बहुत अच्छा लग रहा है, और आज इवनिंग का जो कृष्णा जी का जो हरे कृष्णा वाला डांस कैसा लगा बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए फिर ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू एक्साइटमेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगर हमारा ब्लॉग्स अच्छा लग रहा है बस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टाटा, हरे कृष्णा।